हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो बात कुछ ऐसी है कि काफ़ी दिन से मैं अपने घर की सफाई कर करके परेशान हो गई थी, वही झाड़ू वही पोछा। तो मैंने सोचा चलो इसमें थोड़ा कुछ चेंजेस किया जाए, आखिर दुनिया बदल रही है, थोड़ा सा मुझे अपने सफाई के तरीके को बदलना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ क्लीनिंग गैजेट्स मंगा लेती हूँ अमेज़ॉन से, जो मेरे काम को और भी ज़्यादा आसान बना देंगे। और मैंने सेलेक्ट किए 7 से 8 गैजेट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं यार, और लगे हाथ मैंने सोचा आपको ही बता ही देती हूँ, ताकि अगर आपको ज़रूरत हो इनकी तो आप भी ले सको। और इन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं आपके लिए। तो चलो यार जल्दी से लिस्ट को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रानी और आपका स्वागत है आप ही के चैनल योर टेक जोन में। तो शुरुआत करते हैं फर्श की सफाई से, यानी कि पोछे से। तो मेरे पास इससे पहले था वो गोल वाला पोछा, हो सकता है आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के पास वही हो। तो मैंने उसे चेंज करके सोचा ये फ्लैट पोछा लेने का। इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी वीडियोस देखे और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ये अलग अलग एंगल से मुड़ जाता है और यहाँ तक कि ये टेबल के नीचे और बेड के नीचे भी बहुत अच्छे से सफाई कर देता है। और इसे क्लीन करना भी काफ़ी आसान है, बस इसके स्ट्रैप को हटाकर इसे क्लीन कर देना है। और यूज़ करने में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इसे फटाफट से ऑर्डर कर लिया। अगर आपको करना हो तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला प्रोडक्ट है ये फ्लेक्सिबल डस्टर। इससे आप अपने घर के ऊंचाई में जो भी गंदगी लगी है, जैसे कि मकड़े के जाले लगे हैं वो निकाल सकते हैं, अलमारी के ऊपर में डस्ट वगैरह जम गया है वो हटा सकते हैं। और ये फ्लेक्सिबल है तो मुड़ भी जाता है, सो पंखे वगैरह भी इजिली क्लीन कर सकते हो। हाँ, वैसे पंखे से याद आया, मुझे पता है कि आपने दिवाली के बाद से अपने पंखों पर नज़र भी नहीं डाली कि वो कितने गंदे हो रखे हैं। तो ये लेकर के कुछ उनका भी भला कर दो, दुआएं देंगे आपको। घर की विंडोज़ एंड ग्लासेस को साफ करने के लिए आप ले सकते हैं 2-in-1 वाइपर। इसमें आपको एक साइड सिर्फ सर्फ लगा करके उसे फैलाना है और दूसरे साइड से सिंपली उसे वाइप कर देना है। मतलब अलग से कोई भी आपको पोछा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही काम नहीं कर देगा। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, विंडो वगैरह क्लीन करने के लिए और ग्लास साफ करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, इस वाइपर से आप ग्लास के अंदर तो सफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी ऊंची बिल्डिंग फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो बाहर की सफाई कैसे होगी यार। अब स्पाइडरमैन तो आएगा नहीं आपके बाहर की खिड़कियों को साफ करने के लिए। तो उसके लिए आप ये मैग्नेटिक विंडो क्लीनर ले सकते हैं। इसके दो साइड से दोनों साइड में मैग्नेट लगे हुए हैं, तो आपको इसे ग्लास के एक साइड में लगाना है इस तरह से, और दूसरा वाला साइड ग्लास के अपोजिट साइड में लगाना है और सिंपली इसे वाइप करते जाना है। और ये बहुत ही आसानी से आपके पूरे विंडो के ग्लासेस को साफ कर देगा। काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हो ऊंची बिल्डिंग में, तो ये आपके लिए काफी काम की चीज है। अब बाथरूम साफ करने के लिए भी कोई बढ़िया सी चीज़ मुझे चाहिए थी, तो ये मुझे बाथरूम क्लीनर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसमें ब्रश भी लगा हुआ है, वाइपर भी लगा हुआ है और ये 360 डिग्री रोटेट भी हो जाता है, तो इससे टाइल्स की, कॉर्नर्स की, मतलब बाथरूम के हर कोने की सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। तो एक ही चीज़ है लेकिन बाथरूम की पूरी सफाई काफ़ी अच्छे से कर देगा, तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, मुझे बहुत पसंद आया है। आपको भी आया हो तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप चेकआउट कर लेना। किचन का सिंक, सरफेस, कुकटॉप और बर्तनों को धोने के लिए आप ले सकते हैं ये हैंडल वाला ब्रश, जिसमें कि स्क्रबर लगा हुआ है, वो भी मेटल का बना हुआ। तो देख कर जैसे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे सफाई करता होगा। बाकी मैंने ऑर्डर किया है, मंगवा कर देखते हैं कि ये सामने से कैसा आता है। शूज़ को साफ करने के लिए मुझे नज़र आया ये मल्टी फंक्शनल लिक्विड शू ब्रश विथ लिक्विड बॉक्स। इसमें सिंपली यहाँ पर वॉशिंग लिक्विड फिल करना है एंड देन शू वगैरह में इस तरह से स्प्रे करके लिक्विड को, और बस उसे घिसना है और ये बहुत ही अच्छे से उसे चमका देगा। वैसे आप सिर्फ इसे जूते साफ करने के लिए नहीं, बल्कि और भी काफ़ी अलग अलग जगह पर अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो सफाई के लिए, तो देख लेना अगर आपको एक काम का लगता है, तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे इसी का मुझे बड़ा भाई भी नज़र आया, जो कि कपड़ों की सफाई के लिए है। उसमें भी ठीक इसी तरह से आप वॉशिंग लिक्विड फिल कर सकते हो और स्प्रे करके कपड़ों पर इस तरह से घिस के कपड़े चमका सकते हो। मतलब पुराने ट्रेडिशनल ब्रश को स्किप करके इसे रखा जा सकता है, काफ़ी काम की चीज़ लग रही है। और जब कपड़ों की सफाई वाले एरिया में मैं पहुंची गई, तब मुझे नज़र आया ये रोलर सोप डिस्पेंसर, जिसमें आप अगर वॉशिंग सोप यूज़ करते हो तो इसके अंदर सोप को यहाँ पर रखो, इसे बंद करो, और क्योंकि इसमें रोलर सिस्टम लगा हुआ है तो बस इसे इस तरह से अपने कपड़ों पर घिसना है और ये आपके सोप को बहुत ही आसानी से आपके कपड़ों पर लगा देगा। मतलब वो जो टिकिया हम घिसते रहते थे ना, उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। और वॉशिंग सोप जब लास्ट में थोड़ा सा बच जाता था तो बेचारा यहाँ वहाँ गल कर फेंका जाता था, तो इसमें पूरा यूज़ हो सकता है। तो देख लेना अगर आप भी वॉशिंग सोप यूज़ करते हो तो आपके लिए ये बहुत ही काम की चीज़ हो सकती है। लिंक इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्लीनिंग टूल्स जो मैंने सेलेक्ट किए हैं अपने लिए। आपको इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया ये मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कोई सही पसंद नहीं आया तो कॉमेंट में बकवास भी लिख देना।
सब चलेगा यार। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद।